सुप्रभात हिमाचल, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के इस सिलसिले को। हिमाचल में चार दिन मौसम साफ, मैदानी जिलों में धुंध छाए रहने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 16 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने के आसार है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में आज और कल सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट है। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के पिछले कल सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी मंडी के लुड्डी नृत्य की झलक। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में मंडी की लुड्डी की झलक दिखेगी। 34 साल बाद यह मौका मिलने जा रहा है। पहली बार यह मौका 1989 में मांडवे कला मंच के कलाकार कुलदीप गुलेरिया और शंकुंतला शर्मा को भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से मिला था। तब से अब तक मंडी से किसी भी संस्था या कलाकार को गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देने का मौका नहीं मिला है। 6 साल की उम्र में उठ गया पिता का साया, मां ने नहीं मानी हार, बेटी सेना में बनी मेजर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पद्दर की तनुजा सिंह भारतीय सेना में मेजर बन गई हैं। वो जिले से पहली महिला हैं जिन्होंने भारतीय सेना में बतौर मेजर पद पर पदोन्नति प्राप्त की है। वहीं तनुजा के पिता भारतीय सेना के सिग्नल कोर में सेवाएं दे चुके थे। महज 6 साल की उम्र में तनुजा ने अपने पिता को एक दुर्घटना में खो दिया था। तनुजा की मां रेखा कुमारी ने हार नहीं मानी और कड़े संघर्ष से दोनों बच्चों को बेहतरीन परवरिश और उच्च शिक्षा दिलाई। मां ने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए हमीरपुर और चंडीगढ़ में नौकरी की। वर्ष 2015 में तनुजा सिंह ने INHS मुंबई में भारतीय सेना के मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में बतौर लेफ्टिनेंट स्थायी कमीशन प्राप्त किया। वायरल ऑडियो में कांग्रेस विधायक राम कुमार को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक राम कुमार चौधरी को भाजपा के कार्यकर्ता ने जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी पूर्व विधायक परमजीत पम्मी का मौसेरा भाई और भाजपा कार्यकर्ता है। किसी से फोन पर धमकी देने की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद विधायक के परिजनों की शिकायत पर बद्दी पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं आरोपी योगराज लेही पंचायत के मखनू माजरा का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त पुलिस के अनुसार भाजपा का एक कार्यकर्ता फोन पर किसी से बातचीत करते हुए विधायक राम कुमार को देख लेने गोली से जान से मारने की बात कर रहा है। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विधायक के परिवार के सदस्यों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। जयराम सरकार के सभी लंबित टेंडर रद्द, 8 माह के फैसलों की होगी समीक्षा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में पिछले कल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। सुक्खू ने सभी लंबित टेंडर रद्द करने का निर्णय लिया है। 6 महीने में हुए तमाम शिलान्यासों और उद्घाटनों का भी ब्यौरा तलब किया गया है। यह विवरण 15 दिसंबर तक देने को कहा गया है। पूर्व सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए सभी फैसलों की समीक्षा की जाएगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसले रिव्यू किए जाएंगे। आचार संहिता हटते ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5 कर्मचारियों को दी प्रमोशन। आदर्श आचार संहिता हटते ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पिछले कल 5 कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। आचार संहिता के चलते इनका प्रमोशन रुक गया था, लेकिन अब इन्हें राहत मिली है। शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि पीआर सिंह को असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट किया गया है, जबकि संगत राम, मनोहर लाल, मदनलाल व धमेंद्र को सीनियर असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन दी गई है। 16 दिसंबर तक टला हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल का गठन, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का गठन 16 दिसंबर तक टल गया है। 16 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित सभी विधायक राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। 16 दिसंबर को राहुल गांधी की यात्रा को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। देश भर में कांग्रेस के सभी विधायकों, सांसदों को इस दिन यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आज दिल्ली जाने के आसार हैं। वहीं मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी आलाकमान के साथ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मंत्रियों के नामों पर चर्चा करेंगे।
400 शिक्षकों को नोटिस जारी, परीक्षा मूल्यांकन से गायब होने पर शिक्षा बोर्ड ने कसा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 10वीं जमा 2 के लाखों छात्रों को इस माह यानी दिसंबर माह के अंत तक ही फर्स्ट टर्म का रिजल्ट मिल पाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा मूल्यांकन से बिना सूचना के गायब रहने वाले 400 के करीब अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा मूल्यांकन के लिए 4,233 शिक्षकों को ड्यूटियां विभिन्न केंद्रों में लगाई गई थी। कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में सीएम सुक्खू, पैरा स्टाफ की नई भर्ती पर रोक समेत लिए 11 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में पिछले कल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पहले ही दिन 11 बड़े फैसले लिए। सुक्खू ने निर्णय लिया कि पूर्व जयराम सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा की जाएगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसले रिव्यू किए जाएंगे और कुछ को डी नोटिफाई भी किया जाएगा। जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को दिया गया पुनर्रोजगार समाप्त कर दिया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेजों को इससे अलग रखा गया है। चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से नहीं की जा सकती रिकवरी, हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वेतन निर्धारण मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश सत्यन वैद्य ने अपने निर्णय में कहा कि चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से वसूली नहीं की जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वेतन निर्धारण के समय की गई विसंगति होने पर अधिक अदा किए गए वेतन की किसी भी तरह से वसूली नहीं हो सकती। लोक निर्माण विभाग में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बिहारी लाल और अशोक कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में मंत्री और विधायक हर साल बताएंगे अपनी संपत्ति, अगला लक्ष्य 2024। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल राज्य सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने दो टू कहा कि उनकी प्राथमिकता पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की होगी। प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी उनकी प्राथमिकता में रहेगी, मंत्रियों पर हाईकमान को ही निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि जो मंत्री बनेंगे उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। हिमाचल में मंत्री, विधायक और सब चुने हुए प्रतिनिधि हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। दूसरी ओर एक सवाल में कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, उत्तर दिया, हिमाचल में रोड कनेक्टिविटी हो या टनलिंग हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा एक पारदर्शी प्रशासन देना मेरी प्राथमिकता में होगा। सरकार ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाएगी, इसमें ये प्रावधान होगा कि हर मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि हर साल अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देंगे। इससे भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त सीएम से पूछा कि आपने 10 गारंटियां दी हैं, ओपीएस महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक देने जैसी घोषणाएं पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। उत्तर दिया, हमने जो कहा है उसे अक्षरांश लागू करेंगे। ओपीएस को लागू करने के लिए काम शुरू हो चुका है। अधिकारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। यह घोषणा पहली कैबिनेट में की जानी है, बाकी सब राय लेकर फैसला लेंगे कि यह सब कैसे होगा। दूसरी ओर पूछा गया कि आर्थिक प्रबंधन कैसे करेंगे, प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सुक्खू ने जवाब दिया, भाजपा बड़ा कर्ज छोड़कर गई है, अभी थोड़ा सा समय दीजिए, आर्थिक प्रबंधन करेंगे, सोच विचार करके ही करेंगे, सबसे राय लेंगे, पत्रकारों से भी। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।